गाइस सब जगह बहुत बाढ़ आ रही है। दिल्ली में ITO और गीता कॉलोनी यमुना नदी से पूरा पानी बहकर इस तरफ आ रहा है। घुस गया तो मतलब वो बच जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये आप देख सकते हैं कितनी बारिश हो रही है, कितनी बारिश हो रही है। मैं ये बंद करने के लिए आई हूँ, ऊपर नीचे पानी पानी हो गया है तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ओह माय गॉड बहुत ज़्यादा। ये आप देखिए पूरा पानी अंदर आ गया, मैंने खिड़की खुला रखा हुआ था। ये आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है दिल्ली में। इसको बंद करने में ही ठीक रहेगा, अदरवाइज पूरा पानी वाली दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा झमाझम बारिश हो रहा है। ये कपड़ा नीचे रख देती हूँ, नहीं तो पूरा पानी ध्यान नहीं दिया मैंने भी। बहुत बारिश हो रही है, बहुत बहुत दिनों से दिल्ली में बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है, तो डर भी लगता है ज़्यादा बारिश होता है तो। बारिश अच्छा नहीं होता है, हद से ज़्यादा तो कुछ भी चीज़ नहीं अच्छा होता, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे। और अंदर थोड़ा बहुत कमरे में भी, अब बेडरूम में हमारा थोड़ा बहुत सीलिंग भी आना स्टार्ट हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा। और बेचारा मेरा बेटा ट्यूशन गया हुआ है, अब वहीं बैठना पड़ेगा इसको बहुत टाइम तक। देखते हैं अंदर पर, थोड़ा सीलन की प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए यहाँ पे सीलन सा आ रहा है और ठीक इसके ऊपर AC लगा हुआ है और यहाँ से थोड़ा सा सीलन बनना स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर्दे के पास में भी हो रहा है। तो देखते हैं थोड़ा एक दो दिन अगर धूप हो जाता ना तो सही रहता, हो नहीं रही है। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या कब तक रहता है ऐसा मौसम। बाकी प्रॉब्लम तो बहुत हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है सच में, बहुत ज़्यादा। अरे ठीक है ना गाइस, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं तो अभी ब्रेक हो रहा है तो ये देखिए उल्टे सीधे काम, मीम्स देख रहे हैं लैपटॉप पे, वहाँ क्या सीख रहा है पता नहीं। ये देखो अभी अभी कंप्लेन आई है ना हिंदी मैम का, नहीं बड़ा आया पूरा वहाँ पे दूध मैंने दिया हुआ है गाइस, बस ऐसे करके छोड़ा हुआ है। ये देखिए हालत, ये है ऑनलाइन क्लास का हाल, क्या करें गाइस, अब जो भी करें देखना ही पड़ेगा। देखिए इनके नाटक क्या है। अरे बाद में कर लेना, अभी तो मुझे इलेवन कितना 11:30 को है शायद गुरुप्रिया मैम का क्लास। क्या है वो काम, हे भगवान। क्लास और मैंने यहाँ पे भिंडी की सब्जी आज बनाई है काफी दिनों के बाद। क्या करें गाइस, टमाटर बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है तो इसीलिए बहुत मुश्किल हो गया टमाटर खरीदना। भाई 180 रुपये किलो है टमाटर। तो ये रहा मेरा चावल भी बन गया है और दाल मैंने कल रात को बनाई थी, थोड़ा ज़्यादा ही बना लिया था और अभी मैं ओवन पे गर्म कर दूँगी पहले ये बन जाए। गाइस सब जगह बहुत बाढ़ आ रही है। दिल्ली में ITO और गीता कॉलोनी यमुना नदी से पूरा पानी बहकर इस तरफ आ रहा है। तो हम तो खैर लक्ष्मी नगर साइड में हैं लेकिन अभी तक फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब ठीक है। फिर भी बी अलर्ट, सब लोग अलर्ट होकर रहिएगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट ऐसा तो पानी खैर नहीं आएगा कि सब जगह डूब जाए, लेकिन फिर भी अपना ध्यान रखिएगा और जितना ज़रूरी है उतना ही आप लोग घर पर रहिए, उससे ज़्यादा प्लीज़ घर से बाहर मत निकलिए क्योंकि वाकई में मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है। तो अपने अपने घर पे रहिए, बहुत ज़्यादा अगर इमरजेंसी हो तो ही निकलिए, अदरवाइज़ आप लोग घर पे ही रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अपने लिए भी बच्चों के लिए भी है ये। और बच्चों को तो बिल्कुल बाहर निकलना मना है और ख़ासकर सीवर से ज़रूर दूर रखिएगा क्योंकि सीवर एक ऐसा ख़तरनाक चीज़ है, अगर उसके अंदर कोई एक बार घुस गया तो मतलब वो बच जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो प्लीज़ बच्चों को खासकर नीचे मत उतरने दीजिएगा, चाहे वो बड़े भी हो, 13-14 साल तक के बच्चों को भी नीचे उतरने मत दीजिए। और समर सीवर के जो ढक्कन होते हैं उससे ज़्यादा बच के रहिएगा प्लीज़, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है उससे और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हादसे भी हो रखे हुए हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ख़त्म नहीं हुआ है ये टास्क, सो गया इसलिए सो गया गाइस क्योंकि ये आज जल्दी उठा था, जल्दी सुबह उठ गया था आज, इसी की वजह से सो गया बेचारा। बिस्तर में फोन देख रहा था, देखते देखते सो गया। तो वीडियो को करते हैं एंड बाय बाय।